अगर आपने अभी तक हमारा सैम मुंडे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन दबा कर उसकी नोटिफिकेशन आप पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सैम मुंडे। तो आज हम बात करेंगे जियो प्राइम के बारे में। कुछ ऐसी खबरें चल रही है व्हाट्सएप पे कि जियो प्राइम है, जियो या जियो का सिम है वो बंद हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा होगा। मैं तो पहले आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं होने वाला। ये जियो की जो सर्विस है वो आपको 31 मार्च के बाद भी आपको एक्सेस करने को मिलेगी, ऐसा कोई नहीं होगा। ये सिर्फ आपको गुमराह करने की एक साजिश बताई जा रही है। कुछ अलग कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जो जिन्हें कुछ अलग दलग या किसी झूठी खबरें फैलाते हैं, कुछ ऐसे ही इसके बारे में हो रहा है। लेकिन जियो की सर्विस यहाँ पे खत्म नहीं होने वाली है। अगले जो अगला महीना आ जाएगा 31 मार्च के बाद, कुछ ऐसे प्लान लॉन्च हो सकते हैं या प्लान लॉन्च हो सकते हैं कि जियो अपने जो प्राइम मेंबरशिप है, जो सर्विस है, जो प्राइम मेंबरशिप में आपको क्या क्या मिलता था वही आपको कंटिन्यू सबके लिए ऑल के लिए होगा। अब जियो प्राइम के लिए अलग है और नॉन जियो प्राइम के लिए अलग है, लेकिन आप तो नॉन जियो प्राइम कोई रहेगा ही नहीं। जब भी आप नए सिम लेते हैं तो आपको 99 का रिचार्ज करते समय ही प्राइम मेंबरशिप दी जाती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो मैं आपको ऑफिशियल तौर पर बताऊंगा कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है या क्या क्या कैसे कैसे यहाँ पे खबरें आ रही है वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पे देख सकते हैं ये जियो की ऑफिशियल साइट है, मैं ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा तो मैं आपको खबर बताऊँगा कि जियो की ऑफिशियल साइट पे क्या है और अभी क्या मेंशन किया है जियो के प्राइम के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रेस रिलीज है, जो भी यहाँ पे न्यूज़ आती है तो इस प्रेस रिलीज के माध्यम से ही हमें पता चल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ देखिए, इन न्यूज़ में यहाँ पे महीना हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी मार्च है तो मार्च सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। अब मार्च महीने में आपको 2018 की जो खबरें है, सबसे सिर्फ दो ही खबरें यहाँ पे आ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ दो खबरें आ गई है और जियो के प्राइम के बारे में ऑफिशियल तौर पर साइट पे तो कुछ यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि आने वाले वक्त में तो हो सकता है कि जियो मेंबरशिप है या कुछ उसका नाम चेंज होगा, कुछ इसकी प्राइस होगी या फ्री आपको फ्री इसमें दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल तौर पर अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। अगर कुछ बंद होना था या कुछ अलग तरीके से प्लान आना था या बंद सेवा करनी थी तो ऑफिशियल तौर पर आपको पहले आगाह करते कि हम ये बंद कर रहे हैं या हम ये चालू कर रहे हैं या हम यहाँ पे कुछ नया प्लान निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। और निकालते समय वो भी आपको 15 से 20 दिन पहले ही समझाते हैं कि हम यहाँ पे ये सेवा बंद कर रहे हैं या ये सेवा चालू कर रहे हैं, ये प्लान हमारा आने वाला ये 10-12 दिनों या 15 दिनों के अंदर ही आपको उससे पहले समझ में आता है। अगर इसे कुछ बंद करना था जियो प्राइम सर्विस तो आपको यहाँ पे 15 मार्च तक ही यहाँ पे वो 15 मार्च या 20 मार्च के आसपास आपको यहाँ पे बोल देते या प्रेस रिलीज करके बता देते कि हम यहाँ पे ये करने वाले हैं, ये ऐसा हमारा जो प्लान की ये सर्विस है हम ये करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पे नहीं कहा। इसके एक ही मतलब है कि कंटिन्यू यहाँ पे जियो प्राइम की सर्विस चलने वाली है। हाँ, हो सकता है कि अगले महीने में कुछ अलग प्लान निकाले या कुछ इसकी कॉस्ट कम कर दे या फ्री कर दे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इस घड़ी में तो ऐसा कोई नहीं होने वाला है। आप बिंदास से अभी जियो प्राइम सर्विस के मजा यहाँ पे ले सकते हैं, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। जो भी यहाँ पे वायरल मैसेज चल रहे हैं उनको इग्नोर कर दीजिए। मैं आपको ऑफिशियल साइट पे लेके आया हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा दिया नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा हम समझ सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होने वाला है। तो जब भी जियो प्राइम के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो इस सबसे पहले इस चैनल पर आने वाली है, तो आप यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। अभी तक सैम मुंडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सैम मुंडे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलते हैं फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही मोबाइल के अपडेट में।